এর মাঝখানে আসলে সিচুয়েশন অনেক চেঞ্জ হয়েছে অনেক চেঞ্জ টাকা ছাড়া কিন্তু চলা সম্ভব নয় তখন কি আমি ভয় দেখাবো আসলে 2021 সাল অনেকে মানুষই স্বাধীনভাবে চলাচল করতে চায় এবং বাড়তি জনসংখ্যার জন্য খাদ্য ব্যবস্থা করা বাসস্থানের ব্যবস্থা করা স্বাগতম সবাইকে বিচ রিয়াকশনে আমরা চলে এলাম আজকে আপনাদের সঙ্গে আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য আর আজকে আমরা ভিডিও দেখব মেজর গৌরব আরিয়া তো আজকে আমরা যে ভিডিওটি দেখব সেই ভিডিওটির টাইটেলটি হচ্ছে মেজর গৌরব আরিয়া এক্সপ্লেইন চ্যালেঞ্জেস পাকিস্তান ইজ গোয়িং টু ফেস ইন কামিং ডেজ তো এখান থেকে নিশ্চয় বুঝতে পারবো কি কি চ্যালেঞ্জ আফগানিস্তানে শুরু করে আসলে ভিডিওটা হবে যে এখানে পাকিস্তান কি কি বিষয়গুলো ফেস করবে আর এই ভিডিওটি নেওয়া হয়েছে ডিফেন্সিভ অফেন্স চ্যানেল থেকে আর এই চ্যানেলে আর যে লিংকটি এই ভিডিওর সেটি আমাদের ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে আপনারা চাইলে সেখান থেকে অরিজিনাল ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন তো চলুন আমরা দেখে আসি মেজর গৌরব আরিয়া কি বলেছেন এই ভিডিওতে कोई बम धमा के पाकिस्तान में होते हैं तो भैया मुल्ला बरादर जाने आपके जनरल फैज जाने और आप जाने राव आके वो गंदी पंजाबी उर्दू में हमें कुछ मत बोलना भैया अब तो वहाँ पे कोई नहीं है तालिबान का स्पेशलाइजेशन क्या है आईडी लगा दी औरतों को कोड़े मार दिए बच्चों को गोली मार दी ये सब काम बड़ी आसानी से तालिबान कर लेता है और तालिबान इख्तदार चाहिए था उनको उनको पावर चाहिए था पावर उनको मिल गया है अब लोग कह रहे हैं कि चलाओ तुम सरकार अब उन्होंने बोला साहब ये तो नहीं आता अपने को कभी चला ही नहीं जो मुल्ला उमर का तालिबान था प्योर तालिबान इस्लामिक स्टेट खुरासान वाले भी तो यही बोल रहे हैं कि भाई वो तालिबान कहाँ गया कहाँ तुम लोग मुजाकरात में लग गए कहाँ तुम लोग नेगोशिएशन में लग गए कहाँ दोहा में बैठ के तुम बॉटलों से पानी पी रहे हो मिनरल वाटर की बॉटलों से और अच्छे लंबे लंबे ग्लास में जूस पी रहे हो तुम और तुम अमेरिकन से कह रहे हो कि हम तुम्हारे साथ डील साइन करेंगे तुम जिहादी हो तुम्हारा काम डील साइन करने का नहीं है तुम्हारा काम है काफिर के ऊपर जिहाद करना और इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में लहराना ये तुम्हारा काम है जो ग्राउंड सोल्जर है जो फुट सोल्जर है तालिबान का आपने तो उसकी ज़िंदगी से एक्साइटमेंट ही खत्म कर दी उसने ज्वाइन ही इसलिए करा था कि मैं औरतों को हिजाब पहनाऊंगा मैं बुरका पहनाऊंगा उनको ठीक है मैं बच्चों को कोड़े मारूंगा दैट इज हाउ दे गेट द जॉलीज राइट आई मीन दैट इज द होल थिंग दैट लेट्स सप्रेस वुमेन इट्स अ ग्रेट आइडिया एंड यू नो आज वीकेंड पे तुम क्या कर रहे हो यू नो आज फ्राइडे है व्हाट आर यू डूइंग ओवर द वीकेंड डू चलो लेट्स ऑपरेट सम वुमेन यार आज बड़ा मजा आएगा तो तालिबान का माइंडसेट यही है मैं बेहतर पाकिस्तानी बेहतर मुसलमान हूँ इनके 100 कॉन्सुलेट हूँ नहीं मैं तुमसे बेहतर हूँ इंडिया के 150 कॉन्सुलेट है नहीं मैं तुमसे भी बेहतर मुसलमान हूँ इंडिया के 500 कॉन्सुलेट है ये इन्होंने तो हर गली कूचे में इंडिया का रॉ का एक ऑफिस खोल रखा था अफगानिस्तान में भाइयों ने अब तो सब बंद हो गया अब तो अफगान तालिबान के हाथ में नाउ यू टेक अ कॉल बेबी लुक वेयर इट्स गोइंग अब हमें बताओ कहाँ है तहरीक तालिबान पाकिस्तान इंडिया तो नहीं है ना हमारे कॉन्सुलेट में रहता था हकीमुल्ला महसूद को हमने पाल रखा था कहाँ है हकीमुल्ला महसूद तो चले गए अभी बोलेंगे जी पता लगा है साहब कि वो दिल्ली में रहता है ये भी कह देंगे वो लोग रा की बिल्डिंग के अंदर अब जो धमाके होंगे ठीक है उसके लिए किसके सर पर इल्ज़ाम डालोगे ये बताओ और मैं चाहता हूँ कमेंट्स में लिखे हैं पाकिस्तानी किसके सर पर इल्ज़ाम डालोगे जब वहाँ पर धमाके होंगे आप लाहौर में कराची में बलूचिस्तान में दीगर जगह में जब धमाके होंगे किसको ब्लेम करोगे जय हिंद दोस्तों आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा अहन शुरू होले एटा होचे वीडियोर मध्ये कोशिश स्टार्टिंग जिला स्टार्टिंग डिप्लोमेसी करे इंट्रोडक्शन बताया अभी कि यू नो कि हकानीज कह रहे हैं और हकानीज कौन है दे पार्ट ऑफ द अफगान तालिबान हकानीज दे पार्ट ऑफ दैट स्ट्रक्चर इट अ ग्रुप आप पेटा शूरा की बात कर लें हकानी नेटवर्क की बात कर लें जो डेजिग्नेटेड टेरर आउटफिट्स थी बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूरोपियन यूनियन कहने की बात यह है कि कहीं ना कहीं उनको ये एहसास है कि वी शुड बी सीन एज स्टेट्समैन लाइक तो दुनिया अभी तक ये समझती थी कि जानवर है दुनिया समझती थी कि बस औरतों को कोड़े मारने हैं बच्चों को जान से मारना है लोगों पे जुल्म करना है बुज़ुर्गों को यू नो गोलियां मारनी है सब लेकिन तालिबान ने दिखाने की कोशिश करा हम ऐसे नहीं अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चाइनीज़ को भी बड़े जेंटली एक मैसेज पास कर दिया है वीगर मुसलमानों को यानी कि देखिए इसमें ना तालिबान और मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा तालिबान की बिल्कुल भी तारीफ़ नहीं कर रहा लोग ये ना समझें कि मैं तारीफ़ कर रहा हूँ तालिबान की लेकिन दे हैव शोन मोर कैरेक्टर एंड मोर स्पाइन देन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ एवर शोन देखिए
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे कोई भी हो, ये कभी चीन के सामने मुंह नहीं खोल पाए बिगर मुसलमानों को लेकर। ठीक है, एटमी ताकत हैं, रियासत मदीना है, दुनिया भर के झूठ जो लोगों ने बोल रखे हैं उनसे और अपनी कौम से, ये फिर भी चीन के सामने मुंह नहीं खोल पाए। लेकिन हकानीस ने बोल दिया ना कि अपनी अकलियतों का ध्यान रखिए आप। कौन अकलियत है, इट्स अंडरस्टूड किसके लिए बोल रहे हैं, तो चुपचाप दे पास दिस अकलियत। दूसरी चीज़, भारत पाकिस्तान आपस में बात करें, ये मुल्क हैं, भारत और पाकिस्तान एक दूसरे में बात करें। और कश्मीर के मामले को लेकर ख़ास तौर से बोला है, क्योंकि इनको तो अभी तक वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो थी वो लेडी जो बोल रही थी ना कि ऐसा है कि अफगान तालिबान जो है हमें कश्मीर लेके दिखाएंगे, वो मैं चाहता हूँ कि हाँ। उसको हम छोटी सी क्लिप दिखाएं। अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख ले, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। तो आपने देखा स्वप्न देखा और बंद हो गए, ये हमें कश्मीर लेके देंगे और फिर हम जोड़ देंगे एक दूसरे को, यानी कि जो बांग्लादेश अलग हुआ था वो भी पाकिस्तान में जुड़ जाएगा। ये सब अफगान तालिबान, यानी कि पाकिस्तानी फौज आर्मी, जो 6-8 लाख की पाकिस्तानी फौज है, जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एटमी हथियार हैं आपके, और सोल मुस्लिम न्यूक्लियर सुपर पावर हैं, वो जो काम नहीं कर पाया वो अफगान तालिबान इनको करके देंगे, क्योंकि वही इनका वही चीज़ है। आप देखिए ना पाकिस्तान का माइंडसेट, देखिए भाई पाकिस्तान का माइंडसेट कभी नहीं बदला। इनको अफगान तालिबान के पास 2 रुपए नहीं है जेब में, उनको ये नहीं पता कि सितंबर की जो अगस्त की सैलरी है सितंबर में कैसे पे करेंगे, दे हैव नो क्लू। बट एक्चुअली पाकिस्तानी जो है उनसे भी मांग रहे हैं, ये पैलेस्टीन गए थे उन्होंने फिलिस्तीनियों से एम्बुलेंस मांग ली थी, ये कभी किसी को नहीं छोड़ते। अफगान तालिबान के पास कुछ नहीं है टुडे इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, इन टर्म्स ऑफ कैश दे हैव नथिंग। इन लोगों ने उनसे भी मांग लिया भाई तुम कश्मीर दिलवा दो, ये सबसे मांगने वाले मूड में रहते हैं पाकिस्तानी। अच्छा तीसरी बात, जो पूरा मामला चल रहा है ना अभी इस वक्त इस्लामिक स्टेट को लेके, और जो भी हमने देखा कि अभी ड्रोन स्ट्राइक भी हुई कल, वो जो अमेरिकन्स ने ही मार दिया था एयरपोर्ट के बगल में ही एक रिहायशी इलाके में बच्चा भी मारा गया, एक सुसाइड बॉम्बर को कल मार दिया था उन्होंने। यार वैभव देखो, अमेरिकन्स कब तक करेंगे, कुछ समय तक करेंगे राइट। अमेरिकन्स और क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप ही बता रहे थे कि व्हाइट हाउस में एक बातचीत हुई थी और इंटेलिजेंस वालों ने ब्रीफ करा कि साहब अगर हमें इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ना है तो हम तो लड़ेंगे नहीं वहाँ पर, कौन लड़ेगा, तालिबान लड़ेगा भाई। फिर बात वही आ जाती है कि इस्लामिक स्टेट को कहने को ये हो जाएगा कि तुम अमेरिकनों से पैसा लेके, वो तो यही बोलेंगे ना, तुम पैसे लेके अपने मुसलमान भाई को मार रहे हो। अब आप समझ लीजिए कितनी बड़ी विडम्बना है, कितनी बड़ी विडम्बना है कि इस्लामिक स्टेट के सामने तालिबान लिबरल सेक्युलर हैं, मतलब इन फ्रंट ऑफ द इस्लामिक स्टेट खुरासान तालिबान एक्चुअली लिबरल है और सेक्युलर है, मतलब उनको ऐसा लगता है। तो ये है कि वो सच्चे मुसलमान हैं अकॉर्डिंग टू दीज गाइस। अच्छा मैं व्यूअर्स को ना थोड़ा और बताता भी चलूँ वैभव की ये जो सलाफी है ना इनका मसला क्या, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इंडिया से काफ़ी लोग जो हैं ख़ासतौर से कुछ पॉलिटिशन जो हैं जो कह रहे हैं कि तालिबान को सपोर्ट करना चाहिए और तालिबान से बातचीत की बात नहीं कर रहा, बातचीत तो बहुत लोग कह रहे हैं, लेकिन जो खुल के तालिबान फैन क्लब इंडिया में आया है वो पुराना पाकिस्तान वाला फंडा कि असी भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान, वो इशू नहीं है। तालिबानी देवबंदी है, तालिबानी जो है वो देवबंदी है, और देवबंद कहाँ पे है, नोएडा से 4.5 घंटे की दूर में सहारनपुर है, यूपी में सहारनपुर के अंदर देवबंद है। तो हो सकता है तालिबान वाले कभी सहारनपुर ना आए हों, देवबंद ना आए हों, लेकिन थॉट प्रोसेस वही है। देवबंदी बरेलवी जो सबसे बड़े जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं सुन्नी इस्लाम के, तो वो अकॉर्डिंग टू दैट रूल चल रहे हैं। तो तालिबानी सलाफी जो इस्लामिक स्टेट वाले हैं, सलाफी का मतलब क्या है, सलाफी बेसिकली कम्स फ्रॉम द वर्ड सलाफ, यानी कि हमारे पूर्वज एंसेस्टर्स। तो उनका कहना है कि वो इस्लाम जो हज़रत मोहम्मद साहब के टाइम पे प्रैक्टिस होता था वो वाला इस्लाम प्योर है, और उनकी 3 जनरेशन्स यानी कि 3 पुश्तें 3 नस्लों के बाद 3 नस्लों तक वो प्योर रहा, उसके बाद वो इम्प्योर हो गया है। तो एक बड़ा लिटरलिस्ट यू नो इंटरप्रिटेशन ऑफ
इस्लाम, ये काफिर है गला काटो, ये काफिर नहीं। अच्छा जो पांच वक्त का नमाजी है उसका भी गला काटो, क्योंकि इनके हिसाब से वो ठीक से नमाज नहीं पढ़ रहा, तो किसी को भी मार दो बेसिकली, और बड़ी बर्बरता से। एक और बात मैं बताना चाहूँगा वैभव, कि आज की तारीख में अफगानिस्तान के अंदर लोगों ने जनरली सोचा, नॉर्दर्न अलायंस पे भी हम आएंगे, लोगों को जनरली ये लग रहा है कि अब 31 तारीख तक अमरीका वहाँ से चला जाएगा, राइट? तो फिर दो पावर्स रह जाएंगे इसेंशली, एक तो तालिबान हो गया और एक वो अहमद मसूद और अमरुल्ला सालेह का नॉर्दर्न अलायंस हो गया, जिसमें और भी दीगर लीडर्स उनको ज्वाइन कर चुके हैं। यार इतना सिंपल मामला जो अफगानिस्तान में है वो इट्स वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग। 6 से लेकर 10 फॉरेन फाइटर्स उस वक्त बैठ रखे हैं अफगानिस्तान, वो आर नॉट तालिबान, दीज आर फॉरेन फाइटर्स। तालिबान तो बेसिकली पश्तून है ना, 99% देयर पश्तून होंगे। ये लोग कौन है? दीज आर फॉरेन फाइटर्स, एंड व्हेन आई से फॉरेन फाइटर्स उसमें अरब्स भी हैं, उसमें फिलिस्तीनी भी हैं, उसमें सूडान से भी लोग, उसमें दुनिया भर के 15-20 नेशनैलिटीज़ के लोग आ रखे हैं वहाँ पर जिहाद लड़ने। अब होगा क्या? तालिबान एक तरफ, लेकिन इसमें खाना जंगी की तरफ वो मुल्क जा रहा है, सिविल वॉर, गृह युद्ध भी हम हिंदी में कह सकते हैं, सिविल वॉर की ओर बड़ी तेज़ी से जा रहा है। और क्यों जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। लोगों को लगता है तालिबान एयरपोर्ट की सिक्योरिटी देख नहीं पा रहा, घर में पानी आए वो तालिबान देख नहीं पा रहा, ATM में पैसा नहीं है। तालिबान को गवर्नमेंट स्ट्रक्चर चलाना थोड़ा ना आता है, तालिबान तो भाई औरतों को कोड़े मार दिए, बच्चों को गोली मार दी, ये सब काम बड़ी आसानी से तालिबान कर लेता है। और तालिबान इख्तदार चाहिए था उनको, उनको पावर चाहिए था, पावर उनको मिल गया है, अब लोग कह रहे हैं कि चलाओ तुम सरकार। अब उन्होंने बोला सर ये तो नहीं आता अपने को, कभी चला ही नहीं। पहले भी जो 1996 के बाद की हम लोग बात करते हैं कि तालिबान आ गया, আসলে সত্য কারণ তারা তো এখনো পর্যন্ত সরকার ঘোষণা করেছে কিন্তু ওভাবে কোনো কিছু তো বলেনি। There was no social media. नजीबुल्ला को टांग दिया, वो एसोसिएटेड प्रेस या रॉयटर्स में कहीं पर फोटोग्राफ आ गई। अच्छा अब इसमें बड़ी ना एक कॉमेडी वाली बात है, जो मुल्ला उमर का तालिबान था, प्योर तालिबान, इस्लामिक स्टेट खुरासान वाले भी तो यही बोल रहे हैं कि भाई वो तालिबान कहाँ गया, कहाँ तुम लोग मुजाकरात में लग गए, कहाँ तुम लोग नेगोशिएशन में लग गए, कहाँ दोहा में बैठ के तुम बॉटलों से पानी पी रहे हो, मिनरल वाटर की बॉटलों से, और अच्छे लंबे लंबे ग्लास में जूस पी रहे हो तुम, और तुम अमेरिकन से कह रहे हो कि हम तुम्हारे साथ डील साइन करेंगे। तुम जिहादी हो, तुम्हारा काम डील साइन करने का नहीं है, तुम्हारा काम है काफिर के ऊपर जिहाद करना और इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में लहराना, ये तुम्हारा काम है। तुम तो बिल्कुल सियासतदान निकले, तुम तो नेता निकले, पॉलिटिशियन निकले। भाई इस्लामिक स्टेट वाले जो कह रहे हैं, ओरिजिनल जो हार्ड लाइनर्स थे वो तो तालिबान थे। अब ये जो तालिबान है, देखिए मैं तो जानदारी में बता रहा हूँ तालिबान, लेकिन ये दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनको पता है, देखिए जहाँ इन्होंने बदतमीजी करी, इनके पास एयर डिफेंस के एसेट्स तो है नहीं, अमेरिका क्या करेगा? मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका के लिए बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल, 3-4 ड्रोन्स भेजने, ठीक है, और 12-16 हेलफायर मिसाइल्स जो हैं वो प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर मार दिए, गया मुल्ला बराबर, खत्म, ओवर एंड ऑफ स्टोरी। अमेरिका जब चाहे, और कौन रोकेगा अमेरिका को, क्या होगा, आप कर क्या लोगे अमेरिका को, वो तो चला गया 10,000 किलोमीटर दूर, कर लो उसका, आप कुछ नहीं कर सकते। कहने की बात ये है कि तालिबान इज़ वेरी स्मार्ट, पहले इन्होंने ये बड़े बड़के मारी थी तालिबान ने कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अमेरिका आया 4-5 दिन के अंदर, हफ्ते भर के अंदर भाग गए, जब बॉम्बिंग शुरू हुई भाग गए, अब 20 साल के बाद आ रहे हैं, अभी दोबारा नहीं भागना चाहते। भाई एक मुलायम गद्दा है प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर, मुल्ला बरादर जो है वो मुलायम गद्दे के ऊपर सोएगा, वो बेचारा 8 साल पाकिस्तानी जेल के अंदर सोया, पाकिस्तानियों ने पैसा लेके जेल में डाल दिया था उसको बेचारे को, तो नोबडी वांट्स। अब ये लोग इस्लामिक स्टेट वाले कहते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज़ है इस्लामिक आइडियोलॉजी से, वो मुल्ला उमर का ये तालिबान नहीं है, ये तालिबान जो है ये डाइल्यूट हो गया है, ये तालिबान वो है जिसमें अब वो पवित्रता, अगर मैं कह लूँ, उतना खालिस, उतना प्योर तालिबान नहीं है जो पहले था, ये इस्लामिक स्टेट की शिकायत है। अब ये करें तो क्या करें, ये पूरा करें तो क्या करें? भाई देखो 2-3 चीज़ें कर सकते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये तो सभी को समझ में आ रहा है। पाकिस्तान को क्या लग रहा था कि सबसे पहले ये जो है ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान को या तो जान से मार देगा, उनके मीडिया वाले ये लाहौरी ज़ाफ़रानी मसाला टाइप की जितने भी है ना,
जी गोली मार दो, क्या दिक्कत है, मार दो, और बड़े बड़े मारा नहीं, जेल से छोड़वा दिया। उनको पता है, तालिबान इज वेरी स्मार्ट, उनको पता है पाकिस्तानियों को औकात में रखने के लिए सबसे बड़ा औजार जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान। जहाँ इन्होंने पंजाबी एक्सेंट में उर्दू बोली और धमकी देने की कोशिश करी, वहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को छोड़ देंगे। और दूसरी एक और चीज़ है, अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ये अपना सगा भाई बना के, यू नो, तू भी पश्तून मैं भी पश्तून टाइप, अगर ये लोग नहीं रखते हैं तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान छोड़ के अगर उसमें से कार्डर चलेगा इस्लामिक स्टेट, खुरासान उसमें ज्वाइन कर लिया, तो नुकसान किसका है? नुकसान तो तालिबान का है ना। तो मैं आसान शब्दों में एक बार ऑडियंस को बता देता हूँ। देखिए, एक तालिबान है, एक इस्लामिक स्टेट खुरासान है, राइट, आइसिस खुरासान जो एक चैप्टर है आइसिस का, एक वो है, राइट, और एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान हर समय पाकिस्तानी 20 साल से ये कहते आए हैं कि साहब TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भारत की एजेंसी फंड करती है, इंडियन गवर्नमेंट रॉ फंड करती है, ये सब ड्रामा वो लोग झूठ बोलते हैं, है ना। और ये जो असली तालिबान हैं, जो अच्छे तालिबान हैं, वो अफगान तालिबान हैं, ये मुल्ला बरादर वाले। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर वो अच्छे तालिबान हैं और तुम्हारे सगे हैं, और ये TTP है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये बुरे तालिबान हैं क्योंकि इंडिया उनको पैसे देता है, तो भाई अफगान तालिबान अगर तुम्हारे सगे तो तुम्हारी बात मानेंगे? ये TTP वालों को जेल से क्यों छुड़वा रहे हैं? क्यों छुड़वा रहे हैं? हार पहना के ढोल नगाड़े शामियाने बज रहे हैं, वेलकम करा जा रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। उनको पता है भाई, उनको पता है कि जब पाकिस्तान अपनी औकात से ऊपर बात करेगा या कुछ अफगानिस्तान में करने की कोशिश करेगा जो तहरीक जो अफगान तालिबान को पसंद नहीं है, तो उन्होंने बस फ़ोन करना है TTP को, हेलो ज़रा इनको एक चूरन की पुड़िया भेजना ज़रा पाकिस्तान, तो फिर ये टाइट हो जाएंगे। जो आप कह रहे हो ना फ़कीर मोहम्मद को दे दो, ये नमाज वमाज पढ़ ली इन्होंने पूरी, जनरल फैज़ ने, हेड ऑफ़ ISI पूरी कोशिश कर ली साहब, फ़ोन पे बात करी है कुरैशी ने कि लेट गया कुरैशी ज़मीन पे कि हमें TTP दे दो, उन्होंने नहीं दी। आप एक बात बताइए, वही तालिबान है, अमेरिका ने इनको धमकी दे दी, इनका पूरा का पूरा जो तालिबान की सरकार थी, सो कॉल्ड सरकार, उसको उखाड़ के फेंक दिया अमेरिकन्स ने, इन्होंने ओसामा बिन लादेन ने नहीं दिया, इन्होंने तालिबान ने, दिमाग से तो पैदल हैं ये लोग, इन्होंने ओसामा बिन लादेन नहीं दिया, फिर ओसामा बिन लादेन को गायब करके एबटाबाद भेज दिया, जहाँ पर बाद में वो अमेरिकन से मारा गया। इन्होंने अमेरिकन को हैंड ओवर नहीं करा, बिल्कुल। पश्तून वली के, पश्तून वली में दो तीन चीज़ें हैं, जैसे कि आपका गेस्ट है, जैसे हम कहते हैं अतिथि देवो भव, तो पठानों के लिए तो सबसे बड़ी बेइज्जती क्या है कि अगर आपने पठान के मेहमान को मार दिया, अगर आपने किसी पठान के मेहमान को मार दिया, वो पठान समाज में अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा, लोग ये बोलेंगे कि तुम्हारे घर में मेहमान था और तुम उसकी हिफाजत भी नहीं कर पाए, तुम कैसे पठान हो। तो पश्तून वली, दूसरी बदल बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पश्तून वली का, बदला लेने का, ये भी पठान कल्चर का, पश्तून कल्चर का एक बहुत इंटेग्रल इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहने की बात ये है कि जो कल इनके गेस्ट ओसामा बिन लादेन थे, आज इनके गेस्ट तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। तो जो पाकिस्तान सोच रहा है कि हमें दे देंगे, भाई तुम्हारे कहने से क्यों देगा? उसने अमेरिका के कहने से नहीं दिया, उसने अमेरिका के कहने से ओसामा बिन लादेन अमेरिका को नहीं सौंपा, तुम्हारे कहने से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सेकेंड इन कमांड को तुम्हें दे देगा। तो ये तो तुम्हें होप भी नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को, ठीक है। अब यहाँ पे जो सूरत हाल बन रही है रेफ्यूजीज की, ठीक है, अभी तो कंफ्यूजन मुझे लगता है कि 31 अगस्त के बाद, ये मेरा खुद का एक अंडरस्टैंडिंग है कि 31 अगस्त के बाद फ्लाइट्स हैं कुछ समय के लिए बंद कर देंगे, ये मैं समझता हूँ। इमरजेंसी फ्लाइट्स चलेंगे, कमर्शियल फ्लाइट्स तो अभी फिलहाल नहीं चलेंगे, क्योंकि हु वांट्स टू गो टू कमर्शियल फ्लाइट्स, किंतु पड़ा एक टास्क है, ये तो रीसेंट है ना, हु वांट्स टू गो टू अफगानिस्तान, नोबडी वांट्स टू गो देयर। वन वे कमर्शियल फ्लाइट चल नहीं सकती क्योंकि दे डोंट वांट पीपल। अच्छा, अफगान तालिबान भी बड़ा स्मार्ट है, अफगानों को वो बाहर नहीं जाने, आपने नोट करा है, इट इज नॉट अलाउइंग अफगान्स टू लीव अफगानिस्तान। क्यों? क्योंकि यहाँ से कहानियाँ निकलेंगी कि अफगानों के पास खाना नहीं है, वैक्सीन नहीं है, बिजली नहीं है, फिर वर्ल्ड की एड की ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी और पैसा लगाएंगी इधर, उनको चाहिए पैसा, तो अपने ही लोगों को, अपने ही लोगों की फिरौती ले रहा है तालिबान। वरना आप ये बोलिए ना, ठीक है आप तालिबान के खिलाफ है, निकलिए देश से, हम आपको 15 दिन देते हैं, जिसको निकलना है निकलिए, तो फ्लाइट्स लेनी है, ठीक है, हम इस्लामिक स्टेट के अटैक से हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं, हम आपको 15 दिन दे रहे हैं, जिसको निकलना है निकले। अमेरिका जो है ना, 1000 प्लेन्स खड़े कर देगा वहाँ पे 24 घंटे के अंदर, चाहे उसको कमर्शियल एयरलाइनर्स करना पड़े,
वो खड़े हैं, लोग भरें, जाओ जाओ जाओ, जिस मुल्क में जाना चाहो यहाँ से। लेकिन तालिबान अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि जब लोग वहाँ से चले गए तो तालिबान किस पे राज करेगा, और भाई उसको पैसा कौन देगा तालिबान को? तालिबान बनाता क्या है? एक चप्पल तो बनाता है अफगानिस्तान, दे विल नॉट टेक इंटरेस्ट। हाँ, अब हम आ जाते हैं नदर अलायंस के पीछे कि नदर अलायंस में क्या हो रहा है। अब देखिए ना, वो रशिया का जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में, नाम भूल रहा हूँ उसका, उसने हाल फिलहाल में एक बयान दे दिया कि साहब वो तो तालिबान दिल के बड़े अच्छे हैं, है ना, बड़े, दे आर वेरी जेंटल पीपल, बड़े प्यारे लोग हैं, तो वो चाहते नहीं हैं कि किसी को परेशानी हो, वहाँ पे खूनरेजी हो, वहाँ पे खून खराबा हो, वहाँ पे मौत हो, वरना उनके लिए तो दो दिन का काम है या दो घंटे का काम है पूरा पंचीर घाटी को टेक ओवर करना। ये रशियन एम्बेसडर कह रहा है, वो पता नहीं किस ऐसे जाहिल को किसने एम्बेसडर बनाया। भाई तुम्हारा मुल्क जब USSR हुआ करता था, और मैं मान के चल रहा हूँ कि तब ये नौकरी कर रहा होगा एम्बेसडर, बिकॉज एम्बेसडर इज नॉट अ जूनियर पर्सन, सीनियर प्रोफाइल होती है। ऑफकोर्स तुम्हारा USSR, रशिया टूटने से पहले USSR था, उसने 10 साल कोशिश करी, इन्फेंट्री डिविजन्स अपने झोंक दिए पंचीर को टेक ओवर करने के लिए, लेकिन रशिया भी पंचीर को फतेह नहीं कर पाया। यानी कि रशियन एम्बेसडर खुद कह रहा है कि रूसी फौजी चेष्टा कर रहे थे ना, और ज्यादा लायक जो है तालिबान है। मैं तो यही बात समझूंगा, तालिबान का दिल बड़ा पसीजा, 90% अफगानिस्तान को घेरने से पहले तालिबान का दिल नहीं पसीजा, पंचीर पे आके उनका दिल पसीज गया। बीच में ये लोग कह भी रहे थे, ड्रामा भी कर रहे थे तालिबान वाले, कि अब तो अहमद मसूद है, उसने बोल दिया कि हम आपके साथ हैं। उसने बोला 48 घंटे के अंदर उसने 300 मार दिए इनके, बोला कि मैं मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता नहीं हूँ, लाशें अपनी ले जाओ बंदा, दैट्स इट। सो वहाँ पे ताजिकिस्तान, क्योंकि बेसिकली ताजिक है ना ये लोग, एथनिकली ताजिक हैं, तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान में जो पश्तून हैं, पश्तून ऐसे ओवरवेलमिंग मेजोरिटी में नहीं है। हाँ ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो पश्तून है, लेकिन वो भी 40-42-45% ज़्यादा पश्तून नहीं है। वहाँ पर ताजिक भी हैं, उज़्बेक भी हैं, वहाँ पर कुछ बलोच भी हैं, कुछ हज़ारा भी हैं, मिक्स एंड मैच हो सकता है अफगानिस्तान में, मिक्स एंड मैच है। वो जो बाकी कौमें हैं वो खड़ी हो रही हैं धीरे धीरे इनके खिलाफ। अब कौन इनको सपोर्ट करेगा, अब ये देखना है। अफगान तालिबान को क्या US सपोर्ट करेगा खुला, कि भाई ऐसा है कि ड्रोन स्ट्राइक हम कर देंगे और तुम इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ो? एक ये पहलू है जो डिस्कस भी हुआ है अमेरिका में, और हमें इसके ऊपर भी डिस्कस करना है कि भाई इसमें ये इशू है कि क्या तालिबान को इन स्पाइट ऑफ ड्रोन स्ट्राइक्स, इन स्पाइट ऑफ फाइटर जेट अटैक्स, क्या तालिबान के पास इतनी औकात है, इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस्लामिक स्टेट को ख़त्म कर दे? आई डोंट थिंक सो। यार वैभव स्टोरी ये भी है, हमें चिंता करना है कि क्या खुल के नहीं, तो असले येটা एनजीओ ব্যাপারটা আমার মাথায় লেগেছে অনেকটা। अच्छा, क्या तालिबान में इतनी औकात है, इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर अमेरिका ड्रोन से सपोर्ट कर दे, फाइटर जेट से सपोर्ट कर दे, तो तालिबान मजबूती से ज़मीन पकड़ ले और इस्लामिक स्टेट खुरासान को ख़त्म कर दे? ये भी ठीक बात नहीं, ये भी नहीं होगा। अच्छा, फिर आउटसाइड हेल्प चाहिए तालिबान, क्या अमेरिका वापस अपने ट्रूप्स डालेगा? वेरी वेरी अनलाइकली। देखिए जियो स्ट्रेटजी में कभी हमें ना नेवर से नेवर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरी वेरी रूस के पास अब पैसे नहीं है जो पहले थे, और अफगानिस्तान की वजह से ही रूस टूटा भी था, हमें भूलना नहीं चाहिए, उसके ग्लासनोस भी था, चाइना स्मार्ट है, चाइना कहेगा मुझसे पैसे ले लो, चाइना कहेगा पैसे ले लो, लेकिन चाइनीज सोल्जर नहीं भेजेगा वहाँ। क्या ईरान भेजेगा अपनी फौजें? बिल्कुल नहीं, ईरान को, ईरान तेल के भंडार पे बैठा है, वाई शुड ईरान टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अफगानिस्तान? अब बचा कौन? भाड़े का एक ही बचा, पूरी दुनिया में भाड़े की फौज, मर्सनरी आर्मी एक ही है, दैट इज पाकिस्तान आर्मी। और अगर पाकिस्तानी आर्मी घुसने की कोशिश करती है अफगानिस्तान में, तो फिर इवन तालिबान के जो कार्डर हैं वो इस्लामिक स्टेट में जाएंगे, और TTP का जो फैक्टर है वो तो है ही, उसको हम नकार नहीं सकते, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो आप ये देखिए, मूविंग चेस पीसेज हैं, ये एक चाल छः और मात वाला मामला चल रहा है यहाँ पे, कि अगर ये लोग कहते हैं पाकिस्तानी फौज, क्योंकि देखिए अफगान तालिबान खुद नहीं कर पाएगी, वो सरकार भी चला है, लड़े
सारी चीजें नहीं कर पाएगी। देखिए औरतों पर कोड़े मारना है उसका डिपार्टमेंट उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बच्चों के सरों पर गोली मारनी है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन दैट। पर आप बोलो पुलिस महिला महिला के गोली को मेरे प्लेसी तार बात से सामने और पैसा मिल भी जाएगा फिर भी तालिबान लिमिटेड लेवल पर लड़ पाएगी। अगर आपको इस्लामिक स्टेट से लड़ना है ऊपर से नदन अलायंस को मत भूलिएगा, वहाँ से भी ज़बरदस्त प्रेशर है नदन अलायंस से और बाहर की तरफ फैलने की कोशिश कर रहे हैं, नदन अलायंस अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो भाई कहने की बात सिर्फ ये है, वेरी स्मॉल थिंग आई वुड लाइक टू से वैभव, इज मज़ा तब आएगा कि अगर पाकिस्तानी पैसे के चक्कर में, क्योंकि पाकिस्तान भी पैसे का भी बहुत भूखा है, बहुत बुरा हाल है, पाकिस्तान सिर्फ टेररिस्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, अपनी फौज एक्सपोर्ट करता है और तो कुछ करता नहीं। अगर पाकिस्तान झांसा नहीं लालच में आ जाता है, लालच में आ जाता है कि हमें पैसे दे दो, अमेरिकन पैसे दे देंगे उसको और चाइनीज भी ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि चाइनीज कहेंगे हमारे इंटरेस्ट भाई हमारा भी तो पिट्टू है ना पाकिस्तान, तो जाओ बेटा अफगानिस्तान। तो अफगान तालिबान कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि अफगान तालिबान के इन्विटेशन पर ही अगर पाकिस्तानी फौज वहाँ पर जाती है, लेकिन फिर इस्लामिक स्टेट वाले, फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले और खुद तालिबान का जो इंटरनल कार्डर है राइट एंड मैं बार बार ये लोगों को ये बोल रहा हूँ, बार बार रोज़ मैं टेलीविजन पे ना वैभव यही बात करता हूँ, तालिबान इज़ नॉट अ होमोजीनियस एंटिटी, ठीक है। ये जो कहते हैं ना बकरा कटेगा तब बटेगा, अब बकरा तो कट गया, अब सारे लोग ना तालिबान वाले जो वॉरलॉर्ड्स हैं यार सबको अपने लोगों को खुश रखना है, यू नो कोई यूसुफज़ई ट्राइब का है, कोई अहमदज़ई ट्राइब का है, कोई स्टैनिकज़ई ट्राइब का है, कोई अफरीदी है, कोई फलाना, 10,000 ट्राइब्स होगी अफगानिस्तान के अंदर, सबके किसी के पास 50 लड़ाके हैं, किसी के पास 100 हैं, किसी के पास 10,000 हैं, किसी के पास 5,000 हैं, अलग अलग हैं ये लोग विभिन्न जाति गोष्ठी सवार सब लोग भाग बटरा होना। अपोजिशन वालों की सरकार बनती है ना, जो आप देखो ना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ, सरकार बनी तो सब लोग कहेंगे अच्छा जी अब तो हम चुनाव जीत, अब चुनाव नहीं हुआ अफगानिस्तान का, पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हिंदुस्तानी जो है वो समझ जाए, पाकिस्तानियों के लिए नहीं क्योंकि वहाँ चुनाव होना बोलते नहीं, लेकिन अब समझ क्या चुनाव जीत गए अब सब मंत्री कौन बनेगा, मज़ेदार वाला जूसी पोर्टफोलियो किसको मिलेगा जिसमें रुतबा है जिसमें पैसा है। अब देखिए ये आए थे इनको लगा कि $10 बिलियन तो हैं वहाँ पर, एक आध साल हम काम चलाएंगे किसी तरीके से, वसील होगा पैसे लॉक हो गए बाहर। Now what should they do? अब इससे क्या होगा कि ग्राउंड लेवल पे जो तालिबान का जो एक ग्राउंड सोल्जर है, फुट सोल्जर है तालिबान का, वो भी आइडियोलॉजिकली तो अलाइंड है ना, आप उसको कितनी देर तक रोकेंगे, कितनी देर तक रोकेंगे? आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को, आपसे मेरा मतलब है तालिबान से, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को इम्प्रेस करना चाहते हैं कि हम औरतों के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे, यानी कि जो तालिबान का जो ग्राउंड सोल्जर है, जो फुट सोल्जर है तालिबान का, आपने तो उसकी ज़िंदगी से एक्साइटमेंट ही खत्म कर दी, उसने ज्वाइन ही इसलिए करा था कि मैं औरतों को हिजाब पहनाऊंगा, मैं बुरका पहनाऊंगा उनको, ठीक है मैं बच्चों को कोड़े मारूंगा, दैट इज हाउ दे गेट द जॉलीज राइट, आई मीन दैट्स द होल थिंग दैट लेट्स सप्रेस वुमेन, इट्स अ ग्रेट आइडिया एंड यू नो आज वीकेंड पे तुम क्या कर रहे हो, यू नो आज फ्राइडे है, व्हाट आर यू डूइंग ओवर द वीकेंड डू, चलो लेट्स ऑप्रेस सम वुमेन यार आज बड़ा मजा आएगा, तो तालिबान का माइंड सेट यही है राइट उनका माइंड सेट ये। अब आप उस कार्डर को बोल रहे हो कि तुम ना कैमरे के लिए थोड़ा सा हीरो बन जाओ, डोंट डू ऑल दैट, इट इज़ अगेंस्ट देयर नेचर नंबर वन, नंबर टू ऑल्सो ऐसा द बेसिक थिंग इज़ मनी, पाकिस्तान कैन नॉट गिव मनी, पाकिस्तानी जितनी भी गोलीबाजी कर ले इसमें कि हम अमन चाहते हैं, चाहने से क्या होता है यार, मैं भी रोल्स रॉयस चाहता हूँ, है क्या मेरे पास, नहीं है ना मैं चाहता हूँ अमृता शेरगिल मार्ग में मेरी कोठी हो 2 एकड़ मेरे पास, चाहने से क्या होता है, बिना पैसे के कैसे चाह सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ये कहते हैं हम अमन चाहते हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तानी मीडिया कहता है अरे भिखारियों तुम्हारे चाहने से क्या हो रहा है यार, तुम्हें पूछ कौन रहा है, अफगानिस्तान में तालिबान को डॉलर चाहिए, हैं तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारा जनरल फैज़ 1,000 बार मुल्ला बरादर के साथ नमाज पढ़ ले, नमाज पढ़ने से डॉलर तो आएंगे नहीं भाई, फ़कीर मोहम्मद नहीं मिलेगा वो जो TTP का नंबर 2 है, उनको कोई नहीं मिलने वाला वैभव, उनको कोई नहीं मिलेगा और उनको पैसा भी नहीं मिलेगा, ये कुछ कर ले আসলে একটা সময় তো টাকা পয়সার শর্ট হবে, অলরেডি হচ্ছে, আমি আজকে পত্রিকাতে দেখলাম যে তারা নিজেদের সংসারে জিনিসপত্র বিক্রি করা শুরু করেছে, তারিখে তালেবান পাকিস্তান কি যে টপ লিডারশিপ, মোবাইল ব্যাংকিং এর যে সিস্টেমগুলো ওগুলো ATM বুথগুলো লক হয়ে আছে, টাকা উঠছে না, আপনি কোথায় রাখেন জনাব, বলায় আপনাকে কি রাখতে হ্যাঁ ইন্ডিয়া কে কনসুলেট কে अंदर, ये रा के साथ रहते हैं, रा के साथ हो गया,
राह के साथ रहे। अब मैं पाकिस्तानी, ये लाहौरी है, राह वाले जितने भी हैं लाहौरी जाफरानी, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब तो तालिबान का राज है, हमारे कॉन्सुलेट भी बंद हो गए, अब कहाँ रह रहे हैं ये लोग? पूछना चाह रहा हूँ इनसे कि आप जवाब दीजिए, कमेंट्स में लिखिए। हमारे पाकिस्तानी भाई बहन जो देख रहे हैं, बड़ा कह रहे थे कि भारत की दहशतगर्दी है ये सब, ठीक है, पढ़ने लिखने का रिवाज है नहीं इनके यहाँ, सब अंगूठा टेके वहाँ पे। मैं इनसे एक बात सिंपल सी पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे थे कि भारत के कॉन्सुलेट्स के अंदर रहते हैं, बड़ा एड्रेस वेड्रेस इन्होंने दे दिया। अरे भारत का कॉन्सुलेट का एड्रेस तो इंटरनेट पर मिल जाएगा, कोई भी झूठ बोल सकता है, पर अब तो भारत का कॉन्सुलेट नहीं है, भारत का एम्बेसी भी नहीं है, सब चले गए वहाँ पे है ही नहीं कोई। अब हमें बताओ कहाँ है तहरीक तालिबान पाकिस्तान? इंडिया तो नहीं है ना, हमारे कॉन्सुलेट में रहता था हकीमुल्ला महसूद को हमने पाल रखा था, कहाँ है हकीमुल्ला महसूद? अब तो चले गए। अब ये बोलेंगे जी पता लगा है साहब कि वो दिल्ली में रहता है, ये भी कह देंगे वो लोग रा की बिल्डिंग के अंदर। ये पाकिस्तानीज आर केपेबल ऑफ, मतलब ना इनकी गवाही कभी भगवान कबूल ना करे, इनकी गवाही इतनी गंदी है कि ये हर चीज़ में झूठ बोलते हैं, अब ये नहीं बोल पाएंगे। और इनसे बोलिए ना, ये पैरों में लेट गया था शाह महमूद कुरैशी, जनरल फैज पैरों में लेट गया तालिबान के, यार हमें टीटीपी दे दो, टीटीपी दे, साफ मना कर दिया भागो यहाँ से, ठीक है, चाय वाय पीनी है ठीक है, नमाज पढ़नी है ठीक है, यहाँ तक ठीक है बॉस, वरना धंधे की बात करो। और ये करते भी अफगान तालिबान वाले, पर ये फिर मांगने गए ना, ये कुछ देने थोड़ा ना गए वहाँ पे, इनके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, ये फिर अफगान तालिबान से मांगने के लिए गए। अफगान तालिबान भी बड़ा स्मार्ट है, उन्होंने बोला कि हमारा पहला घर अफगानिस्तान है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इमोशनल बात कर रहे हो और तुम हमसे पैसा ले लो, कुछ ले लो, हमारे पास तो है नहीं, और तुम क्यों आए हो अगर पैसा देने नहीं आए? क्योंकि हमें जरूरत तो पैसे की है, पाकिस्तान के पास है नहीं पैसा। तो ये सब ड्रामा चल रहा है वहाँ पे। तो वह पहले ना ये लोग बड़ा कहते थे पाकिस्तानी ना कि ये टीटीपी है इंडिया के कंट्रोल में है। अरे भाई अब तो टीटीपी भी चलो हम मान लेते हैं, आप कह रहे थे इंडिया के कंट्रोल में, रा पैसे देता है रा, अब तो रा भी नहीं रहा वहाँ पे, अब तो एनडीएस भी नहीं रहा, अब तो मुसाद भी नहीं रहा, अब तो सीआईए भी नहीं रहा, अब तो आपके लोग हैं अफगान तालिबान, अब तो मुल्ला बरादर की फौज वहाँ पे है, राइट, वो लोग हैं वहाँ पे, तो टीटीपी भी उनके हवाले, सब कुछ इनके कंट्रोल में है, यानी आपके कंट्रोल में है। तो फिर ये पाकिस्तान के अंदर ये सब दहशतगर्दी की जो वाकयात हो रहे हैं कहाँ से हो रहे हैं? आप लोग कह रहे थे ना बलूचिस्तान के अंदर जो भी हो रहा है वो भी इंडिया अफगानिस्तान के साथ करवा रहा है, फिर ये हो कैसे रहा है बलूचिस्तान के अंदर? इसे बलूचिस्तान के अंदर दो स्ट्राइक्स हो गई हैं पिछले 10 दिनों में 12 दिनों में, ये क्यों हो रही हैं? ये क्यों हो रही हैं? आप तो नहीं है इंडिया वहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ जो पाकिस्तानी भाई बहन है ज़रा कमेंट्स में लिखें, ज़रा कुछ लिखें आप कि करवा कौन रहा है भाई, इंडिया है नहीं वहाँ पे, अब किस जिन्न को लाओगे वहाँ पे? कोई जिन्न पैदा करोगे ना, कोई भूत पैदा करोगे वहाँ पे? ये करवा रहा है, साजिश है। कभी अपने गरेबान में झांक के मत देखना पाकिस्तानियों, कभी अपने गरेबान में झांक के मत देखना, कभी ये मत सोच लेना कि हो सकता है हमारी भी गलती हो ना, यहूदी की साजिश है, हिंदू की साजिश है, सब साजिश है। अरे तुम्हारे खिलाफ साजिश कौन करेगा? तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कौन टाइम वेस्ट करेगा तुम्हारे खिलाफ साजिश करने का? अब तो नहीं है ना वहाँ पे, एनडीएस भी नहीं है, रा भी नहीं है। अब जो तुम्हारे यहाँ बम धमाके होंगे, ठीक है, उसके लिए किसके सर पर इल्ज़ाम डालोगे ये बताओ? और मैं चाहता हूँ कमेंट्स में लिखें पाकिस्तानी, किसके सर पर इल्ज़ाम डालोगे जब वहाँ पर धमाके होंगे? आप लाहौर में, कराची में, बलूचिस्तान में, दीगर जगह में जब धमाके होंगे किसको ब्लेम करोगे? किसको? अब तो नहीं है ना इंडिया वहाँ पे, कॉन्सुलेट्स बंद हो गए, रा का दफ्तर भी बंद हो गया, जो आपके हिसाब से हर गली में रा का एक ऑफिस था वहाँ पे, हर शहर में कॉन्सुलेट था, कोई कह रहा था 24 कॉन्सुलेट है, कोई कह रहा था 50। अपने आप को बहुत बड़ा वतन परस्त है, महबूल वतनी का सर्टिफिकेट देने के लिए जो पाकिस्तानी टीवी पे आता था, खासतौर से लाहौरी जाफरानी, ये हमारे कॉन्सुलेट 15-20 बढ़ा देते। मैं बेहतर पाकिस्तानी, बेहतर मुसलमान हूँ, इनके 100 कॉन्सुलेट हैं, नहीं मैं तुमसे बेहतर हूँ इंडिया के 150 कॉन्सुलेट हैं, नहीं मैं तुमसे भी बेहतर मुसलमान हूँ इंडिया के 500 कॉन्सुलेट हैं। ये इन्होंने तो हर गली कूचे में भाइयों ने, अब तो सब बंद हो गया, अब तो अफगान तालिबान के हाथ में। नाउ यू टेक अ कॉल बेबी, लुक वेयर इट्स गोइंग, वी विल सी। तो भाई आगे से पाकिस्तान में हम नहीं कह रहे बम धमाके होने चाहिए क्योंकि उसमें मासूम लोगों की जाने जाती है, लोग वांट लेना है, पर अगर भगवान ना करे कोई बम धमाके पाकिस्तान में होते हैं तो भैया मुल्ला बरादर जाने, आपके जनरल फैज जाने और आप जाने, रा वा के वो गंदी पंजाबीज उर्दू में हमें कुछ मत बोलना भैया, अब तो वहाँ पे कोई नहीं है, जो हर गली कूचे में रा का ऑफिस था अब तो बंद हो गया। तो
हमारी तरफ मत देखना तरसीवी नज़रों से कि अब किसको ब्लेम करो, या फिर ढूंढ लो, हो सकता है कि हिंदू और यहूदी मिलकर साजिश कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। इनको आइडिया भी दे देंगे ना पाकिस्तानियों को, व्यवहार थोड़ा सा इनको बता दो, क्योंकि अगर ये साजिश नहीं कर पाएंगे तो रात को साजिश के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, खाना थोड़ा खत्म होगा, बहरहाल कोई भी रेफ्यूजी पाकिस्तान नहीं आएगा। ये बड़ी लंबी छोड़ी थी इन्होंने पाकिस्तानियों ने। अब पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में सारे के सारे जो कॉलेज के हॉस्टल्स हैं वो खाली करवा रहे हैं। 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार तो है नहीं पाकिस्तान में, कोई खुद ही अपने आप को 5 स्टार कहते हैं, जैसे नंबर वन आर्मी है ना, जैसे इनकी नंबर वन आर्मी है, किसी भी होटल को पाकिस्तान का 5 स्टार देखे नहीं उन्होंने 5 स्टार। खैर, तो बात यह है कि नाउ दीज पीपल हैव स्टार्टेड एम्प्टीइंग हॉस्टल्स एंड होटल्स। यहाँ पे जो अफगान मुहाजरीन हैं, जो रेफ्यूजीज हैं अफगानिस्तान से, वहाँ पे रहेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। पाकिस्तान में 15-20 दिन के लिए शॉर्ट टर्म वीज़ा इनको दिए जाएंगे। ये शेख अपने जो हैं, ये क्या नाम है इसका, शेख रशीद द डायनेमिक शेख, प्लेबॉय शेख रशीद, ये बोला कि साहब यहाँ पे नहीं रहेंगे, ये यूएस आगे चले जाएंगे। कोई बात हुई आपकी कि यहाँ पे यूएस ले जाएगा? कल अगर यूएस मना कर देता है तो क्या ले जाएंगे इनको? वापस तोरखम से वापस ढकेलेंगे लाखों अफगानों को जिनके लिए आप जगह बना रहे हैं। तो ये अपने लोगों को भी झूठ बोलते हैं। देखिए, पूरा पाकिस्तान झूठ पे बेस्ड है, पूरा का पूरा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान बना कैसे, इसके ऊपर भी इनको झूठ बताया। ये चारों लड़ाइयाँ इंडिया से जीत गए, ये भी इनको झूठ, इनको हर चीज़ में झूठ बनाया। तो झूठ से जो कौम पैदा होती है और झूठ पे पलती है, तो उसका यही हाल होता है जो पाकिस्तान का हो रहा है। अब ये अफगान जो रेफ्यूजीज आए हैं, मैं कह रहा हूँ 99% इसमें मासूम है ना, एंड वाई शुड बी से किसी सिविलियन के लिए, नॉन कॉम्बैटेंट के लिए हम क्यों बोले कि वो दहशतगर्द नहीं, लेकिन 1% एलिमेंट तो हर समय खराब रहते हैं। ये तो ठीक, 1% तक तो अगर 10 लाख लोग भी आए हैं उसमें अगर 10 लाख अफगान मुहाजरीन आ गए आपके मुल्क के अंदर, उसमें कुछ रा के एजेंट भी तो हो सकते हैं। फूड फॉर थॉट है, रा के अगर कुछ होते हैं, लाहौरी ना जाफरानी सब के सब एंकर बैठ के यही बात करते हैं। अच्छा, मैं कहना नहीं चाहता, मुझे बड़ी हंसी आती है वैभव, इनकी नेशनल लैंग्वेज है उर्दू यार, और इतनी बुरी उर्दू बोलते हैं पाकिस्तानी। क्या कराची वाले ठीक बोलते हैं? आई थिंक उसमें यूपी वाले भी कुछ ज़्यादातर यूपी वाले ना वो अच्छी बोल लेते हैं। उसमें लखनऊ कानपुर वाले भी एक्सेंट हैं तो इनके ना टिपिकल टाइप के, जो कराची में, लाहौर वालों ने तो बिल्कुल हत्या कर रखी उर्दू की, मर्डर कर रखा है, दे स्पीक वेरी बैडली। बट एनी वे आपको मुबारक हो यार, आपको मुबारक हो, अफगान तालिबान आपको मुबारक हो, TTP आपको मुबारक हो। अब तो रा का कोई ऑफिस नहीं है, तो गॉड ब्लेस यू पुत्र, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। অনেক বড় একটা ভিডিও দেখলাম মেজর গোরুবাড়িয়া, তো উনি অনেক কিছু এক্সপ্লেইন করলো। ভিডিওটা ছিল হচ্ছে 31 আগস্টের আগে, আর আমরা ভিডিওটা করছি তার আরো 10-15 দিন পর, তো এর মাঝখানে আসলে সিচুয়েশন অনেক চেঞ্জ হয়েছে। উনি যে কথাগুলো বলেছে, এই কথাগুলো অনেকটা মনে হচ্ছে যে কথাগুলোর সঙ্গে কিন্তু সিচুয়েশনটা মিলে যাচ্ছে। হ্যাঁ আর আফগানিস্তান থেকে আসলে তালেবান কিন্তু আফগান জনগণকে আসলে যেতে দিচ্ছে না, কিংবা যেতে পারছে না। এখন যেতে না দিলে উনি যেটা বললো আসলে এটাই বাস্তবতা, যে এখানে NGOগুলো আসবে হেল্প করতে, আর তখনই তাদের হাতে টাকাগুলো আসবে, এবং সেই টাকা দিয়ে তো তারা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। কারণ এই মুহূর্তে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল সংস্থাগুলো তাদের টাকা কিন্তু, তাদের বিদেশি যে সমস্ত রিজার্ভ ব্যাংকে টাকা ছিল সেগুলো কিন্তু তারা সিজ করেছে, তো সেক্ষেত্রে তাদের হাতে কিন্তু এখন কিছুই নেই। তারা আসলে এই মুহূর্তে কি করবে, এবং এটা আরেকটা জিনিস যে টাকা ছাড়া কিন্তু চলা সম্ভব নয়, আর একটা দেশ চালানো এত চারটিখানি কথা না, সোজা ব্যাপার না যে আমি একটা সংসার চালাচ্ছি, টাকা এদিক সেদিক করে কোনোভাবে চললো, বা দুদিন না খেয়ে থাকলাম একটা ব্যাপার, কিন্তু এত বড় একটা দেশকে পরিচালনা করার জন্য কিন্তু অবশ্যই টাকা পয়সার দরকার আছে। এবং এখন পর্যন্ত যতদিন আমি দেখেছি তালেবানের যত ছবি দেখেছি, তালেবান মানে মনে হয় যে সে হাতে একটা অস্ত্র নিয়ে ঘুরতে থাকবে, এটাই হচ্ছে তালেবান। আমি যখন কোনো ডিসিশন নিব, আমি যখন বসে শাসন করব, আমি যখন মানুষকে ভালো পথে আনব, কিংবা মানুষকে আমি মানে বিভিন্ন ধরনের সেবা দিব, তখন কি আমি ভয় দেখাবো?
হ্যাঁ সেটা হয়তো বা না, কারণ আসলে ভয় দেখে তো সব সময় এগুলো কাজ হয় না। তো সব ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে তারা সব সময় নিজেরাও একটু ভয়ে আছে কিনা এটা আমার জানা নেই, কারণ সব সময় আসলে এরকমই তারা, তাদের ড্রেসটাও থাকে সেরকম এবং সব সময় কাঁধে একটা পিস্তল থাকে, তো তাদেরকে দেখেই মনে হয় যে তারা আলাদা একটা জগতের মানুষ। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যেটা এখানে গোরাবাড়িয়া উনি বললেন যে সেটা হচ্ছে যে ক্ষমতা যখন আসলে ভাগ বাটোরা হবে তখনই বোঝা যাবে যে এদের মধ্যে আরো কতটা ফাটল আছে এবং আরো কতগুলো গ্রুপ তখন ভাগ ভাগ হয়ে যাবে। কারণ হচ্ছে যখনই সব গ্রুপই চাইবে তাদের প্রধান যে সেই সবচেয়ে ভালো ক্ষমতাবান একটা পোস্টে যাক, তখন যখন এটা হবে না সবাই তো একই পোস্টে যেতে পারবে না, তো সেক্ষেত্রে তখন তাদের মধ্যে ইন্টারনালি একটা কুণ্ডল কিন্তু বেঁধে যাবে, তো তখনই তাদের মধ্যে ভাগ বাটোরা হওয়া শুরু করবে। আরেকটা জিনিস বলছে যে তারা বেসিক্যালি তারা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ফতোয়া বা বিভিন্ন ধরনের নিয়ম কানুন হচ্ছে মহিলাদের জন্য, বাচ্চাদের জন্য, মানুষের জন্য বেঁধে দিয়েছে, তো সেই সাধারণ নিয়ম কানুনের থেকে তারা যদি ঊর্ধ্বে না উঠে আসে তাহলে তাদের জন্য এখনো চলা একটু কঠিন হয়ে যাবে। কারণ এখন আসলে 2021 সাল, অনেক মানুষই স্বাধীনভাবে চলাচল করতে চায় এবং মহিলারাও কিন্তু ওইভাবে পিছিয়ে নাই, তারাও চায় যে সামনে তাদের লাইফটাকে অন্যভাবে লিড করবে, তো সেক্ষেত্রে যদি সব দিক দিয়ে তাদেরকে এখন বন্দি করে দেওয়া হয় তাহলে তারা কতটুকু মানবে এবং এই মানাটুকু কতদিন থাকবে সেটাও একটা চিন্তা করার বিষয় আর কি। 96-এর দিকে যখন তালেবান আসছিল তখন কিন্তু তারা, তখন ইন্টারনেট যখন আসছিল সেই সময় তারা তাদের দেশে কিন্তু ইন্টারনেট অফ করে দিয়েছিল। এখনকার সিচুয়েশন যেটা হচ্ছে, অলরেডি আফগানিস্তানে এখন ইন্টারনেটের যে অবস্থা আছে এটা কিছুটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন সামনের দিনে তালেবান যে তথ্য প্রযুক্তির যে বিষয়টা সেটাকে কতটুকু প্রসার করতে দিবে কিংবা এটাকে দমায় রাখবে কিনা এই জিনিসটা কিন্তু এখনো পরিষ্কার হচ্ছে না। হ্যাঁ পরিষ্কার হচ্ছে না, বাট আসলে স্যাড নিউজ কি, অনেক ভালো মানুষও মারা যাবে, অনেক খারাপ মানুষও মারা যাবে, এর ভিতরেই কিন্তু একজন পুলিশ ভদ্র মহিলাকে কিন্তু হত্যা করা হয়েছে। তো আমার কাছে মনে হয় যে এই দিকগুলো একটা সময় হয়তো, এখন জনগণ অনেকে এটার ব্যাপারে মুখ খুলছে না ভয়ে হোক বা তাদের সমর্থনেই হোক, কিন্তু একটা সময় যে কিন্তু তারা আসলে এটার প্রতিবাদ করবে, দেয়ালে ঠেকে যাবে তখন প্রতিবাদ করবে। কারণ আমি একটা চ্যানেলে তখন সংবাদ দেখছিলাম, তখন দেখছিলাম একজন ভদ্রমহিলা বলছিল যে তার হাজবেন্ড হচ্ছে মারা গেছে, তো মারা যাওয়ার কারণে তাদের পরিবারের মধ্যে কোনো পুরুষ লোক নাই, তো পুরুষ লোক ছাড়া আবার তারা মহিলারা বের হতে পারবে না, তো এই ধরনের রুলস রেগুলেশন যদি থাকে তাহলে সেই ভদ্রমহিলার সংসারে বাচ্চাদেরকে চালানোর জন্য এবং তাকে তো কোনো কিছু করে মানে খেতে হবে, তার পরিবার চালাতে হবে, তো সেক্ষেত্রে সে কী করবে, এই ধরনের কোনো ডিসিশন কি আছে কি না আদতে এখন পর্যন্ত এই ধরনের কোনো ডিসিশন তালেবানের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে এরকম কিছু আমাদের চোখে আসলে পড়েনি। মেজর গৌরবাড়িয়া অ্যাকচুয়ালি যে জিনিসটা বোঝাতে চেয়েছে যে পাকিস্তান সামনে থেকে এবং পিছন থেকে বিভিন্নভাবে আসলে তালেবানকে সাপোর্ট করে যাচ্ছে, তারা তাদের নিজেদের প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রয়োজন উনি ওনার মতো করে এক্সপ্লেন করেছে, তো এটা আসলে সম্পূর্ণ ক্লিয়ারভাবে আমরা বলতে পারবো না, কেননা উনি তো এটা আসলে প্রমাণসহ এখানে দেয়নি। হ্যাঁ এখন এটা হতেও পারে যে পাকিস্তান বিভিন্ন সাপোর্ট নেওয়ার জন্য করছে, কিংবা অন্য কোনো কারণও হতে পারে। অ্যাকচুয়ালি আমরা আন্তর্জাতিক এই সমস্ত বিষয় নিয়ে যে গবেষক সেরকম কিন্তু না, আমরা ভিডিও দেখে যতটুকু বুঝতে পেরেছি আসলে সেই বিষয়টা আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করছি। আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে যেটা গৌরবাড়িয়া উনি বলতে চাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে যেহেতু প্রায় 100,000 মতো শরণার্থী কিন্তু অলরেডি পাকিস্তানে চলে এসেছে, তো এদের থাকা খাওয়ার জায়গা দেওয়ার মতো সিচুয়েশন কিন্তু এই মুহূর্তে হচ্ছে পাকিস্তানের নাই, এবং এখন পাকিস্তানের সিচুয়েশন যে ভবিষ্যতে আরও খারাপ হবে না এটা তো কোনো আসলে বলা বলা যাচ্ছে না এটা আসলে, কারণ হচ্ছে যে অপেক্ষা করলে বোঝা যাবে, কারণ এতগুলো লোক কে তাদের খাওয়ানো পড়ানো তাদের থাকার ব্যবস্থা করা কিন্তু খুবই কঠিন একটা ব্যাপার, কারণ অলরেডি তাদের দেশের মানুষের উপরে একটা ঋণের বোঝা কিন্তু আছে চায়নার এবং অন্য অন্য দেশের আমি শুনেছি, তো সেক্ষেত্রে তারা তাদের এই ঋণ শেষ করে তাদের বাড়তি জনসংখ্যার জন্য খাদ্য ব্যবস্থা করা, বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, তাদের কর্মসংস্থান করা সব কিছু মিলায় কিন্তু তাদের উপরে একটা বাড়তি বোঝাই হবে আমার কাছে মনে হয়। অবশ্যই। আর
আমেরিকা এখন নতুন করে এসে আসলে আফগানিস্তানে কোনো ইনভেস্টমেন্ট করবে না, এবং রাশিয়ার অর্থনীতি আসলে আগেই অনেকটা দুর্বল হয়ে গেছে, সেজন্য তারাও কিন্তু নতুন করে এসে কোনো ধরনের ইনভেস্টমেন্টে যেতে চাচ্ছে না। আসলে করোনা সিচুয়েশনে কিন্তু সবার সব দেশেরই কিন্তু একটু নাজুক সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে। তো যাই হোক, ওভারঅল ভিডিওটি আমাদের জন্য ভালোই ছিল, আমরা অনেক কিছু জেনেছি ওনার ভিডিও থেকে, আর অনেক কিছু ওনার কথা আমরা আসলে ভালোভাবে ক্যাচ করতে পারিনি। হ্যাঁ, আমিও সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম যে আসলে সম্পূর্ণ বিষয়টা ওনার কাছ থেকে যে আমরা বোঝার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আসলে অনেক কিছু আমাদের ক্লিয়ার হয়নি। নিজে ডিফেন্সে ছিলেন, সেহেতু ওনার কাছে মনে হচ্ছে যে উনি অনেক ভেতরকার ছোট ছোট গ্রুপের ব্যাপারে জানে, যেগুলো আমরা আসলে কখনো জানি না বা কথা বলিনি। এবং উনি কিন্তু ডিফেন্সিভ মোড থেকে এবং ডিফেন্সিভ ফোকাস থেকে যেটা ভিউ করতে পারছে সেটাই শেয়ার করেছে, আর আমরা জেনারেল পিপল হিসেবে আমরা এটা নিয়েছি, সেজন্য আমরা কতটুকু নিতে পেরেছি এবং কতটুকু এই ভিডিওর উপরে রিয়েকশন দিতে পেরেছি আমরা জানি না। তো আজকের এই ভিডিও রিয়েকশনটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। আপনারা সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি।